हल्द्वानी में गोला खदान कारोबारी के विरोध के बावजूद खनन कार्य शुरू हो गया है। बता दें कि खनन के निजीकरण और वाहनों की फिटनेस प्राइवेट में होने के विरोध में खनन कारोबारी पिछले लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। वहीं खनन कारोबारी के विरोध के बावजूद भी प्रशासन और निगम ने गोला के शीश महल और राजपुरा गेट से खनन का कार्य शुरू कर दिया है। गोला नदी से खनन का कार्य भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में शुरू हुआ है, जिसके लिए सिटी मजिस्ट्रेट SDM के साथ तहसीलदार को भी तैनात किया गया है। वहीं खनन कारोबारी का विरोध अभी भी जारी है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। नहीं नहीं, यहाँ तो कोई ऐसा विरोध नहीं है, शांतिपूर्वक चल रहा है। जो वाहन स्वामी अपने वाहनों को भेज रहे हैं, खनन का कार्य सुचारू है। एहतियात के तौर पर है, जैसे कि कॉल थी कि शायद कोई विरोध करेगा, पर ऐसा है नहीं, शांतिपूर्वक चल रहा है। और कोई अराजकता करेगा उसके खिलाफ भी ठोस कार्रवाई की जाएगी। हाँ, मेरे ख्याल से 8-10 चली गई हैं और लगातार चल रही है। ये आप जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो हमारा ये अभी फिलहाल शीश महल गेट है, इसके अलावा अन्य गेट हैं, सभी प्रारंभ हो गए हैं और इनमें खनन का कार्य कल से ही प्रारंभ हो गया था। कुछ लोगों का विरोध था, अनावश्यक वो लोग कुछ लोगों को रोक रहे थे। सिर्फ उस व्यवस्था को बनाने के लिए यहाँ पर मॉनिटरिंग के लिए हम लोग यहाँ पर मौके पर आए हुए थे कि व्यवस्था रहे और किसी तरीके की किसी को कोई परेशानी ना हो। अपनी स्वेच्छा से ये लोग नदी में खनन के लिए गए हुए हैं, गेट खुल गए हैं, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। सभी लोग जा रहे हैं और हाँ, अगर कोई अनावश्यक किसी भी गाड़ी को रोकेगा तो निश्चित ही उस पर कार्रवाई की